नमस्कार। गुरु बिन ना ज्ञान मिले, गुरु बिन ना दिशा निर्देश, गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो केवल एक काम नहीं बल्कि ये तो ज्ञान का दान है, जिसे सबसे बड़ा दान कहा जाता है। देश की उन्नति में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है, इसलिए फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि कैसे आप भी इस प्रोफेशन में अपना करियर बना सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के बीच लेक्चरर बनने का क्रेज देखा जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बन सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर और प्रोफेसर। स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में। फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम इसी प्रकार सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। सो फ्रेंड्स, इस प्रोफेशन में आने के लिए आपको देना होगा UGC नेट एग्जाम। नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप की पोस्ट के लिए। हर साल करीब 10 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, इसीलिए इसमें कंपटीशन बहुत हाई रहता है। और ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जनरली जून और दिसंबर में। जून सेशन के लिए नोटिफिकेशन मार्च में और दिसंबर सेशन के लिए सितंबर में इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। अब कोविड के चलते एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, तो ये डेट्स बदल भी सकती हैं। आइए जानते हैं इसी से जुड़ी सारी डिटेल्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे नजर डालें। अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से हैं और आपने मिनिमम 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST OBC PWD कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री 50% मार्क्स के साथ अगर आपने कंप्लीट कर ली है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें PhD होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नज़र डाल लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी जाती, लेकिन GRF पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज इसमें रहती है 31 ईयर्स, और रिजर्व कैटेगरीज को 5 साल का रिलैक्सेशन भी एज लिमिट में दिया जाता है। इस पोस्ट में देखिए आपको रिसर्च वर्क करना होता है और आगे आप PhD भी कर सकते हैं। अब हम नज़र डाल लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार होता है। इसमें आपको देने होते हैं 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है और एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। पेपर 1 देखिए होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सभी सब्जेक्ट्स के लिए ये सेम रहता है, जहां आपकी जनरल अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है। और देखिए जो पेपर 2 है वो आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट का होता है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री अपना सब्जेक्ट चुना है या कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ाना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट का होता है। इसमें आपको टोटल 81 सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ये एग्जाम देखिए MCQ बेस्ड रहता है और 3 घंटे का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो पेपर 1 है फ्रेंड्स, वो 50 क्वेश्चन उसमें आते हैं और 100 मार्क्स का रहता है और 1 घंटा होता है आपके पास। और जो पेपर 2 है वो 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है, यानी कुल 300 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ होने वाला है। एग्जाम का डिटेल सिलेबस देखिए आपको स्क्रीन पर मौजूद वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फ्रेंड्स UGC सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जारी करती है और उसी के बेसिस पर एग्जाम आप क्लियर करते हैं। एग्जाम क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को मिलता है NTA नेट सर्टिफिकेट। GRF सर्टिफिकेट अवार्ड इशू होने के बाद 3 साल के लिए वैलिड रहता है और लेक्चरशिप के लिए जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। इसके बाद आप GRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंडिया के किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी पर नजर डालें तो स्टार्टिंग सैलरी फ्रेंड्स देखिए 30,000 रुपये से शुरू होकर 1,00,000 रुपये तक जा सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी क्या पर्सनल स्किल्स हैं और आपका नेट का क्या स्कोर कार्ड है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की।
तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपये। इसके बाद ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपये होती है और SC ST PWD ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए 250 रुपये होती है। आशा करती हूँ आप इस फील्ड में जाने पर ज़रूर विचार करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हमसे यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PGT और TGT चयन परीक्षा के लिए तैयारी तो गारंटीड सक्सेस पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रत्येक विषय पर उपलब्ध किताबें, जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित आदि। इन प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे व्याख्या सहित उत्तर, जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के बेहतर तरीके। ये बुक्स है लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी मजबूत। तो आज ही खरीदें Amazon।